मैनपुरी थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम नगला आनी निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अजय कुमार को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 4 तारीख को मेरे साथ कुछ गांव के दबंगे किस्म के लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें डंडों के प्रहार से हम दो लोगों के हाथ व पैर फ्रैक्चर हुए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में इस शिथिलता के चलते हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई थी। तब जाकर पीड़ित परिवार ने तंग आकर उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई कि तत्काल हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो उसके बाद रिपोर्ट तो दर्ज हुई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते अपराधी किस्म के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से लगाई है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। आज आप एसपी कार्यालय आए हुए हैं, किस शिकायत को लेकर आए हैं? शिकायत ये करने के लिए है कि जो हमारा प्रधान है मौजूदा में जी, वो बार बार धमकी दे रहा, मारपीट कर रहा सब। क्या नाम है प्रधान का? सिद्धनाथ पांडे। ठीक है। और शंकरपुर का आन मौजे का आदमी है वो कन्हैया जी, वो आता बार बार घर पे आकर धमकी देता, बोलता कि साले चुनाव होने के बाद तेरे को हम देख लेंगे। ठीक है, ये कह रहा सर। क्या घटना है, कब मारपीट दिया? मारपीट सर 4 तारीख को हुई थी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई? पुलिस द्वारा कार्रवाई की थी, थाने में कार्रवाई की, वहाँ से रिपोर्ट की एसीओ के पास, और वहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर ने भी सरपंच साहब ने कहा हम कार्रवाई करेंगे, तो बड़बड़ाओ मत, हम देखेंगे। और वो एसीओ साहब अभी निकल गए हैं, अब वो आएंगे तब भी कुछ कार्रवाई। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? सर ये चाहते हैं बार बार रास्ता गिर रहा है, मारपीट कर रहा है सर, इसे गिरफ्तारी नहीं होगी तो सर मेरे को कल कल फिर मारेगा सर, इसे बड़ी से बड़ी कार बड़ी से बड़ी उसे सजा मिली। किस गांव के रहने वाले हैं? सर नगला नहीं, थाना थाना चुका। क्या नाम है आपका? क्या पूरा मामला है जो आप एसपी कार्यालय आ जाए हुए हैं? सेम टू दुर्घटना है, ये हमारे साथ हो रहा है, जो मेरे भाई के साथ हो रहा है। हाँ, क्या दुर्घटना हो रहा है? वो बार बार धमकी दे रहा है घर। कौन धमकी? इतना पांडे और कन्हैया अन्य व्यक्ति भी है साथ में उसके जी, 6-7 लोग आते हैं, पूरी गाड़ी भर के आती है जी। तो बोलता है साले तुम्हारी माँ बहन गाली देता है और घर में से बोलता खींच के मारूंगा, उधर जल्दी से राजीबाजी कर लो नहीं तो ऐसे ही और हाथ पैर तोड़ा अभी तो जान से मार देंगे। अच्छा, आज आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब ने ये कहा है हम जल्दी से कार्रवाई करेंगे, आपकी सुनवाई भी करेंगे, और अभी सीओ साहब निकल गए, चिंता मत करो और जो भी तुम्हारा मैटर है वो समेटेंगे। किस गांव के रहने वाले हैं आप? नगलानी। थाना कौन सा लगता है? थाना कोर्रा मोजा हरे। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।